वन प्लस नॉर्ड सी फोर दोबारा लॉन्च होने वाला है और इस टाइम वन प्लस नॉर्ड सी फोर नया वर्जन लॉन्च होने वाला है। नहीं, नया वर्जन नहीं है, वन प्लस नॉर्ड सी फोर लाइट लॉन्च होने वाला है और ये जो लॉन्च होगा 18 जून को ही होने वाला है। और बहुत सारे लीक्स और एक्सपेक्टेड प्राइस एंड डिटेल्स के बारे में हम लोगों को जानने के लिए आया है और डेफिनेटली इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको टेक रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा वीडियोज लाता रहता हूँ चैनल पर। तो सबसे पहले वन प्लस नॉर्ड सी फोर तो आप देख ही रहे, मेरे पास ऑलरेडी है और इस फोन में बहुत सारे फीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल है और वन प्लस नॉर्ड सी फोर लाइट में भी वही फीचर्स आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा लाइट वर्जन है तो थोड़ा फीचर्स का कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। तो इधर पे कुछ डिटेल्स हम लोगों को देखने के लिए आ रहा है। वन प्लस नॉर्ड सी फोर लाइट जो है वो 6.67 इंच के साथ फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले के साथ लॉन्च होने वाला है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ और पीक ब्राइटनेस होगा 1200 निस, जो कि इस फोन का भी सेम कॉन्फ़िगरेशन आप बोल सकते हो। प्रोसेसर होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695। वन प्लस नॉर्ड सी फोर जो था वो लॉन्च हुआ था 7 सीरीज प्रोसेसर के साथ और इसमें आएगा 695 प्रोसेसर, जो कि 6 सीरीज प्रोसेसर रहेगा और एड्रेनो 619 जीपीयू के साथ लॉन्च होने वाला है, जो कि अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन डे टू डे टास्क बहुत अच्छे से कर पाएगा ये फ़ोन। और डेफिनेटली दोनों वर्जन या दोनों वेरिएंट के साथ लॉन्च होगा, जो कि 12 GB या 8 GB रैम जो सारे फोन्स में होता है। और जो लगता है वन प्लस नॉर्ड सी फोर लाइट वन प्लस नॉर्ड सी फोर का ही सिमिलर डिज़ाइन के साथ लॉन्च होगा। और इधर पे कुछ और सरप्राइज भी है, जो कि 50 MP प्राइमरी सेंसर और 2 MP डेप्थ सेंसर। तो आप समझ सकते हो सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वन प्लस नॉर्ड सी फोर जैसा ही। और 80 वाट का सुपरवूक चार्जिंग के साथ लॉन्च होगा, ये फ़ोन 100 वाट का सुपरवूक चार्ज के साथ लॉन्च हुआ था और 100 वाट चार्जिंग के साथ 30 मिनट्स के अंदर 1 to 100% हो जाता है। तो 80 वाट के चार्जिंग अगर रहेगा तो आप समझ सकते हो 40 to 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाएगा। 5500 mAh का बैटरी मिल रहा है आपको, जो कि नॉर्मल आप बोल सकते हो अच्छा बैटरी दे रहा है फ़ोन पे। और ऑक्सीजन ओएस 14 तो आएगा ही आएगा, जो ऑक्सीजन ओएस वन प्लस का ट्रेडमार्क रहा है। तो ऑलरेडी ये फ़ोन चाइना में लॉन्च हो गया है और डेफिनेटली आप समझ सकते हो ओप्पो K12X जो है उसका ही सिमिलर वर्जन वन प्लस नॉर्ड सी फोर लाइट से इंडिया में लॉन्च होगा। और ये जो फ़ोन रहेगा ये सिमिलर टाइप का फ़ोन रहेगा वन प्लस नॉर्ड सी फोर जैसा ही, और डेफिनेटली June 18 मतलब बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो बहुत सारे फ़ोन्स वन प्लस अभी लॉन्च कर रहा है, क्योंकि उनको डेफिनेटली नया फ़ोन जब लॉन्च होता है तब उन लोगों का सेल्स भी ज़्यादा होता है या फिर एक बूस्ट मिलता है अपना ब्रांड का फ़ोन को सेल करने का, और डेफिनेटली ब्रांड का जो नेम है वो भी ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो June 18 तक वेट करना पड़ेगा और हम लोगों को सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएगा। इसका प्राइस जो होने वाला है वो डेफिनेटली वन प्लस नॉर्ड सी फोर से कम होगा और मुझे जो लगता है 18-19,000 का प्राइस पॉइंट में लॉन्च होगा। तो चार्जर तो साथ में ही आता है, चार्जर के लिए आपको स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। और नथिंग का जो फ़ोन 2 है उसका भी और एक फ़ोन नथिंग CMA Phone 1 वो भी लॉन्च होने वाला है, उसके साथ ही मुझे लगता है वो दोनों कॉम्पीट करेगा, वन प्लस नॉर्ड सी फोर लाइट और नथिंग का CMA Phone 1 दोनों एक साथ कॉम्पीट करने वाला है। और हम लोग देखेंगे कौन सा फ़ोन अच्छा रहता है, दोनों फ़ोन सेम टाइम फ्रेम में लॉन्च होने वाला है। तो थोड़ा दिन वेट करने के बाद सारे डिटेल्स हम लोगों के पास आ जाएगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। तो डेफिनेटली यही बोल के मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा वीडियोज़ लाता रहता हूँ चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना, आप करें शुभ रात्रि।